हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ। मैंने लास्ट वीडियो में ऐसा कहा था कि नानी के साथ ब्लॉग चाहिए तो कमेंट करना, तो काफी लोगों ने कमेंट किया था। हालांकि वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी है, कुछ इश्यूज थे इसलिए। बट नानी के साथ आज मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा। और अभी मैं फिलहाल आया हूँ मेरे कॉलेज, मेरी दीदी की आज एग्जाम है तो फिर मैं उसके साथ आया था, साथ में सत्यम भी आया है। तो बस अभी मैं घर जाऊंगा पहले, उसके बाद नानी के साथ एक मस्त प्रॉपर एक मस्त ब्लॉग बना दे, तो आगे तक देखते रहना। मतलब हम लोग काफ़ी देर से बैठे हैं यहाँ पे, 9 to 11 की एग्जाम है, क्या करें बैठे बैठे। तो मैं सोच रहा हूँ एक प्रैंक कॉल करूँ। एक प्रैंक कॉल किया मेरे फ्रेंड को मैंने, उसको बोला कि सर मैं जियो से बात कर रहा हूँ, आपको आपके रिंगटोन हटानी पड़ेगी, कॉलर ट्यून हटानी पड़ेगी। तो भाई ने कॉलर ट्यून हटाई थी, मैंने बोला सर आपके चार्जेस लगेंगे अगर आपने कॉलर ट्यून 10 बजे तक नहीं हटाई। तो फिर ऐसा सीन, अभी एक और फ्रेंड को कॉल करते। हेलो कुलविंदर। हाँ सर, मैं जियो सर्विस स्टेशन से बात कर रहा हूँ सर। सर आपका जो कॉलर ट्यून है वो आपको सेट करना पड़ेगा सर, वरना आपके अकाउंट से चार्जेस कटेंगे सर। मेरा जियो की सिम ही नहीं है सर। आपको जियो की सिम लेनी पड़ेगी सर। मेरे को नहीं लेनी। सर ले लीजिए सर, वरना मेरी जॉब शायद जा सकती है सर। मेरे को आज के दिन में 2 कस्टमर लाने हैं सर। ठीक है सर। क्या सर? क्या सर? अरे पहचान गया तू। तो मुझे सामने एक गार्डन दिख रहा है, वैसे हम लोग अभी कॉलेज जहाँ खड़े थे वहाँ से थोड़ा अंदर आ गए थे क्योंकि वहाँ ज़्यादा गाड़ी की आवाज़ आ रही थी। तो एक बार देखते चेक करते कि वो गार्डन है या क्या है, मतलब वहाँ झूले वगैरह है या नहीं। गार्डन तो है ही भाई, ये तो शायद सोसाइटी वगैरह लग रही है, उसके अंदर का है। तो छाले हुए ये मेरे को कॉल करके बोलती मैं नीचे आ रही हूँ। बोला क्या बोल रही है? बोलती मैं नीचे आ रही हूँ। बोला क्या हुआ है? बोलती छाले हुए। बोला कैसी गई एग्जाम? अच्छी गई। कैसी गई? अच्छी गई। अच्छी गई। इसका फेस और इसका फेस सेम टू सेम लगता है। हेलो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नानी का वैक्सीन लेने। വലിയ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കി, ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് 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 കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി കാണുന്നില്ല. ആയി പേടിച്ചോ? കുറച്ച് പേടിച്ചു, കുറച്ച് കുറച്ച്. വേദന ഉണ്ടോ? പേടിച്ചോ? नानी अभी खीर खा रही है। अभी हॉस्पिटल में थे तब एक अंकल नानी का नाम बुलाया, कमलाक्षी। इनका नाम है कमलाक्षी। मैं सोच रहा हूँ इनका नाम थोड़ा चेंज कर देते, थोड़ा से यानी हाई फाई नाम रख देते। वेल मेरा पेर इन तोट वेल में कमलू इले कमलाक्षी मेरे इष्ट उड़नी कुटन। मेरा कजिन उनको कमलू बुलाता है, तो यहाँ के एनी पेर का कैम्स 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 नहीं रहे लिमिट पे रहे। अब से नानी नहीं बुलाएंगे, अब से नानी का नाम है कैम्स। कटा इन तो टेली मैंने इधर कैम्स नहीं बुली। नाटी नारी को बुलचा पर हम कमले ने बुली के लिए कैम्स नहीं बुली करूं। नाउ माय नेम इज कैम्स। पर आए ना कैम्स बारा बारा बिल कैम्स एंगने कैम्स अलग कैम्स कैम्स अच्छे पर कैम्स। आज बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, मतलब 3:45 यहीं पे होगा, 4 o'clock को मेरे को पहुँचना है। तो पहले यहाँ से पार्थो के घर जाके वहाँ से फिर हमको रिक्शा करनी पड़ेगी, फिर जाना पड़ेगा। सो यहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे, फिर रिक्शे में जाएंगे आज। तेरे को फ़ोन क्यों दिला के दिया है? साइलेंट पे रखने के लिए। घर पे साइलेंट हो गया। कितना है डिमांड का? 40। जान दो अंकल। टाइम हो गया 8:30।
निकलते टाइम हमको, क्योंकि हम लोग जब आए थे तब लेट हो गए थे, इसलिए आज जाना भी लेट पड़ेगा। तो बस आ गया लॉकर रूम में, तो चलो घर जाते हैं पहले। तो आज दीदी की दूसरी एग्जाम है और हम लोग आज वापस से आए वहीं पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज गिटार लेके आओ। बहुत दिनों से मैं इनएक्टिव था इंस्टाग्राम पे, सॉन्ग्स के कोई वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा आज एक रिकॉर्डिंग भी कर लेते। तो फिर अभी मैं दीदी के साथ आया, दीदी को पहले हम लोग कॉलेज में छोड़ देते, उसके बाद फिर कहीं जाके अच्छे से रिकॉर्डिंग करते। तो ये यहाँ से देख रही है कि वहाँ बच्चे अंदर गए या नहीं, करना भी पड़ेगा। ये जो भी लाया आज हमारे साथ, और नई नई पब्लिक आती है, हॉर्लिक्स बॉय। बाय, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और हाँ, नानी के साथ ब्लॉग आज वापस से कंटिन्यू होगा। कल हुआ क्या था, नानी की वैक्सीन ली थी तो नानी को थोड़ी नींद आ रही थी, तो नानी सो गई थी, इसलिए फिर मैंने नानी को डिस्टर्ब नहीं किया ब्लॉग के लिए। तो आज वापस मैं घर जाऊंगा और आज वापस से नानी के साथ ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। कहाँ जाना रिकॉर्डिंग के लिए? चलो अपने चलते, कहाँ अच्छी जगह, सिंधु भवन रोड पे चलते। सिंधु भवन रोड खाली होगा? हाँ खाली है, पक्का ना। सो मैं यहाँ पे सिंधु भवन रोड में वीडियो शूट करने आया था अपने म्यूज़िक का। तो मैंने एक चीज़ देखी, वो मैं बताता हूँ। तो ये जो ताज होटल है, ये मेरे को आज पता चला है कि जो मुंबई में जो ताज होटल है उसी का ये दूसरा है, ये अहमदाबाद वाला ब्रांच है। ये मेरे पीछे दिख रहा है यहाँ पे ताज होटल, तो मेरे को तो ये आज पता चला है। मतलब यार ये जगह इतनी मस्त है ना, यहाँ पे गाड़ियाँ, मैं तुमको बताता हूँ। एक बार ये खड़ी पोर्शे, अब ये आगे खड़ी है मस्टैंग, गजब है यार। यहाँ के घर मतलब मुंह खुला का खुला रहेगा सही में, मतलब बहुत मस्त है, बहुत मस्त। बाहर सब रोड में बहुत सारी गाड़ियाँ थी तो आवाज़ आ रही थी, तो हमने सोचा कि ये स्टेशन, ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे बैठने की भी जगह है, अगर कहीं और बैठना तो यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ शांति भी है। तो यही रिकॉर्डिंग कर लेते। फाइनली रिकॉर्डिंग डन हो चुका है। यहाँ बहुत मस्त साउंड कर रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे शीट लगी है और यहाँ पे इको साउंड कर रहा था और परफेक्ट लाइटिंग भी आ रही थी। तो जब परफेक्ट लाइटिंग और परफेक्ट साउंड करता है ना, तो एक अरे कहना क्या चाहते हो, एक अलग ही मज़ा आती है। मतलब वीडियो देखने के बाद भी अच्छा लगता है कि हाँ अब बस कुछ ऐसा ही हुआ है। तो वीडियो देखना हो तो इंस्टाग्राम की आईडी ये रही, इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, मैंने रील पोस्ट किया है आज का, तो जाके देखो। और अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं, बाहर जाके थोड़ा कुछ खाएंगे, क्योंकि सुबह से कुछ खाए बिना निकला था, थोड़ा सा मैगी खाया था, तो पहले कुछ जाके खाएंगे। तो चलो, हमने ऑर्डर किया है अभी सादा कुलचा छोले कुलचे, बाकी नहीं कर सकते भाई, बाकी अब से 100 रुपये ये 100 रुपये ये 100 रुपये बड़े सादा कुलचा खाएंगे। ध्रुव मिल का आ गया है और जाड़िए का आ गया है, अब मेरा आएगा। छाछ तो नहीं, लेकिन उसकी पार्टी हो रही है हमारे। मैं अभी 37 मिनट्स पहले वीडियो लगा, फिर मैंने छोड़ दिया, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था तो मैंने नेट ऑन नहीं किया। मतलब मैंने उससे उसका फ़ोन मांगा और मैंने मेरे व्यूज़ देखे तो मतलब 2000 ऊपर चले गए थे व्यूज़, मतलब 37 मिनट्स में। और ये फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ ऐसा कुछ, तो भी अच्छा लग रहा है। उसके हमने पाउची कर दी, उसके हमने अभी फारी करी है, फारी नहीं करी है, फारी करने का सोच रहे। मैं द्रविल की टोपी करने का सोच रहा हूँ, पर करेंगे नहीं कर रहा द्रविल की टोपी। द्रविल की टोपी हम कल करेंगे, संडे शायद से हम लोग, शायद से हम सब दोस्त मिलने वाले, तब द्रविल की हम टोपी करेंगे। 2133 136 हाँ, मतलब बढ़ रहे धीरे धीरे। तो ये मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम का, तुम जाके फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मेरे म्यूज़िक वाले चैनल का भी नाम मेंशन किया हुआ है, व्लॉग्स वाले चैनल का भी नाम मेंशन करके रखा है, और जो यूट्यूब लिंक दिए ये व्लॉग्स के चैनल का है। ये द्रुमिल स्टोरी रख रहा था, तो बोलता है कि मैं जानबूझ के इसको साइड में ही रखता हूँ, ताकि अगर फॉरवर्ड करने के लिए भी अगर आगे दबाए तो ये न्यू रील्स करके मतलब टैप टू सी वाला ऑप्शन आ जाता है ना, तो बोलता है कि मैं इसे साइड में रख दो। मतलब जबरा खेल करता है भाई, भाई के व्यूज बढ़ाने, भाई जल्दी जाके देख लो, एक बार बोल जल्दी जल्दी जाके देख लेना भाई, जल्दी व्यूज बढ़ाने, 1 मिलियन कर ले। ए भाई 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 भाई, अरे यार तेरी प्रगति कर रहा हूं यार, जल्दी जल्दी फटाफट।